गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, हमारा चैप्टर 7 है जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका एक बार दोहरान करेंगे। तो दोहरान करने के लिए हम शुरुआत करते हैं हमारे शब्द भंडार से। शब्द भंडार यानि शब्दार्थ, यानी कि वर्ड मीनिंग। अब देखो, शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ। भयानक, भयानक यानि डरावना। निर्माण, निर्माण यानि बनाना। और चिंतित, चिंतित यानी क्या होता है बच्चों? परेशान। उम्मीद, उम्मीद यानी आशा। उम्मीद यानी क्या होता है? आशा। बख्शना, बख्शना यानी छोड़ना। और दुर्भाग्य, दुर्भाग्य यानी बुरी किस्मत। बैड लक। निकट, निकट यानी पास। व्यर्थ यानी बेकार। ये सब आपको पढ़ने भी हैं और याद भी करने हैं। शक्तिशाली यानी ताकतवर, शक्तिशाली यानी ताकतवर। सुरक्षा यानी बचाव। क्रूर यानी कठोर या दुष्ट। भरसक, भरसक यानी पूरी तरह। भरसक यानी पूरी तरह। तो बच्चों, ये थे हमारे पेज नंबर 53 पर शब्दार्थ। अब आप देखिए आगर शब्द। आगर शब्द क्या है? बख्शता, उम्मीद, आवाज़ें और नज़दीक। बच्चों, आप देख रहे हैं ज के पास ये जो बिंदी लगी हुई है, इधर आवाज़ों के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, इसकी वजह से ये ज ज न बोल के हम इसको ज बोलते हैं। ये शब्द हमारे कौन से हैं? उर्दू फारसी के। अब आते हैं हम वर्तनी वैभिन्य पे। वर्तनी वैभिन्य यानी मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी। अब मानक वर्तनी क्या है बच्चों? जो अभी हमारे चल रही है, यानी चिंतित। चिंतित आप ऐसे भी लिखेंगे और ऐसे भी लिखेंगे। अब चिंतित में ये बिंदी लगानी है हमें, आधा न हटाना है। अब हमें इस तरीके से चिंतित लिखना है। अंदर, पहले जो आधा न वाला वर्ड था वो न लिख के अब हम इस तरीके से लिखेंगे। लंबी, लंबी में देखिए आप आधा म न लिख के बिंदी लगाएंगे। बंद आधा न, अंत आधा न, अंधा आधा न। तो ये इस तरीके के जो मानक शब्द हैं वो है हमारा सही बंद, अंत और अंधा। आधा न, आधा न, आधा न वाले शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आते हैं हम मानक वर्तनी पर। मानक वर्तनी क्या है हमारी? जैसे सुंदर, सुंदर में आधा न वाला लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे? आधा न वाला। अब शक्तिशाली, आप छोटा सा डिफरेंस देखिए, आधा क हमें ये वाला शब्द लिखने न कि त में इस तरीके से क लिखा हुआ, तो हमें लिखना है शक्तिशाली। ये हो गए हमारे वर्तनी वैभिन्य। तो जो मानक देख रहे हैं आप, ये अभी हिंदी लैंग्वेज में चलते हैं। देखिए बच्चों, भाषा की बात। आप निकालिए पेज नंबर 55 पर। इस एकांकी में अनेक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है। किसका? संज्ञा का, जैसे आम, राक्षस, कोयल आदि। ऐसे 5 उदाहरण एकांकी से छांटकर लिखिए। अब आप देखना है जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हमें ऐसे शब्द लेने जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम हो। तो आप ले सकते हैं, जैसे शिकारी है, और क्या था, आम था, तो आप नीम भी ले सकते हैं, पृथ्वी है, बादल है, इस तरीके से संज्ञा शब्द लेंगे। वाक्य के अंत में प्राय क्रिया रहती है, जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये पढ़ना क्या है? क्रिया है। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया के नीचे रेखा खींचिए। कोई खलनायक चीख रहा है, तो हम किस में करेंगे अंडरलाइन? चीख रहा है पे। शायद वे कुछ कर पाए, कर पाए। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, रक्षा करूँगा। वह जंगल को चट कर रहा है, चट कर रहा है। राक्षस मारा जाता है, मारा जाता है। तो ये हो गए हमारे क्रिया शब्द। अब आप देखिए वाक्य बनाओ। वाक्य बनाने बच्चों, ये आपका होमवर्क है। जैसे प्रदूषण, तो आप प्रदूषण का कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि प्रदूषण को कौन बढ़ावा देता है? मानव ही प्रदूषण को बढ़ावा देता है, या मानव द्वारा प्रदूषण फैलता है। कोशिश, मैं और अच्छा बालक बनने की कोशिश करूँगा। मनुष्य, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोयल की बोली मीठी होती है। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए फोर्थ में वाक्य बदलो। ज
जैसे ये है, यह बात मनुष्य नहीं समझ पाता, तो इसने कैसे बदल रखा है, क्या मनुष्य यह बात समझ नहीं पाता। क्या किया बच्चों इन्होंने, क्या लगा दिया और इसको प्रश्नवाचक बना दिया, यह बात डॉक्टर नहीं समझ पाता, तो हम क्या लिखेंगे, क्या यह बात डॉक्टर नहीं समझ पाता और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। यह बात मोहन नहीं समझ पाता, क्या यह बात मोहन नहीं समझ पाता और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आज पूरा चैप्टर आपको रिवीजन करवाया है, क्वेश्चन आंसर हो गए। अब कल हम इसका नया चैप्टर पढ़ेंगे और कहीं भी आपको डाउट हो तो आप बेझिझक इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।